एक्चुअली कपिल हम हस्बैंड वाइफ है. ये कब हुआ? शादी किया. कब? अगले साल. पिछले साल. पिछले साल शादी किया होता तो अगले साल तक कुछ तो होता. तुम शादी करके भूल गई मुझे. सब भूल गई. अच्छा जैकी का ना डेट ऑफ बर्थ है 11th of August. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. अच्छा हो गया. नहीं निकल गया. बिलेटेड है ना तो हग थोड़ी लंबी चाहिए होती है. तो 11th of August मींस टोटल दो. मेरा बर्थडे होता है 2nd April. दो और दो तो दो नी चार. यू नो द मीनिंग ऑफ दो दुनी चार? नहीं. यू नो द टेबल्स? टू फोर. टू बाय फोर. या टू फोर सिक्स एट टेन. यस. हाउ यू सिंग? आई मीन बिकॉज हम लोग का क्या ना, हम लोगों को मैथ बड़ा कमजोर होता है तो हम लोग ट्यून याद करते हैं. दो दुनी दूनी दो दुनी चार, चार दुनी आठ, ऐसे करके. तो उधर ऐसे नहीं याद करते टेबल्स? पढ़े लिखे घर के बच्चे ना, ब्रेकफास्ट मक्खन के साथ खाना, दिमाग चलता है. हमारा नहीं ना चलता है, हम साग खाता है. सिद्धार्थ नॉर्थ में तो ऐसे करते हैं. बिल्कुल. आपके स्कूल में कैसे करते थे? दिल्ली में? दिल्ली में तो यही था, पर हम इंग्लिश में भी करते थे कभी कभी. वो करके बताओ यार, बड़ा मेरे को क्यूरियोसिटी है कैसे करते थे. टू टू जा. टू जा मैं क्यों जाऊं? टू टू जा फोर. फोर फोर जा. फोर टू जा फोर. व्हाट फोर? आई मीन हमसे तो बच्चे अगर टेबल सुन ले तो हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो. मेरा बड़ा हार्ट टाइट है. बट लास्ट ईयर आई वेंट टू माई स्कूल एंड माई मैथमेटिक्स टीचर वॉज स्टैंडिंग एंड ही वॉज वेटिंग फॉर मी. आई फेल्ट वेरी हैप्पी. आइए. अच्छा सिद्धार्थ जो है ये करण जौहर को उनको अपना मेंटोर भी मानते हैं. उन्होंने इनको लॉन्च किया. तो ये अपनी हर फिल्म जो भी शुरू करते हैं उनसे जरूर डिस्कस करते हैं. तो करण सर ने जब बॉम्बे वेलवेट की थी उन्होंने आपसे डिस्कस किया था? आई थिंक किसी से नहीं किया था. फिल्म करने के बाद भी किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो? मैं खुद करण सर को पूछा, कहते हैं मुझे तो इतनी नफरत होगी ना, मैंने अपने घर के सोफे ऊपर से भी वेलवेट हटा दिया. मुझे अच्छा अच्छा आई डोंट नो इट्स अ र्यूमर और ट्रू. जैकी जी, आर यू मैरिड? आई रिसीव्ड अ ईमेल, बेटी जैकलीन शर्मा. कहना तो फर्नांडिस चाहती थी, मेरे को स्पेलिंग नहीं आ रहे. बेटी जब से तुमने मेरे बेटे के साथ शादी की है सारे शहर वाले पूछ रहे हैं बहू आएगी कब. बेटी तुम कभी तो श्रीलंका चली जाती हो, कभी अमेरिका चली जाती हो, कभी फिल्में करने चली जाती हो, अमृतसर कब आओगी? अगर तुम भूल चुकी हो तो सबूत के तौर पे मैं तुम्हें फोटो भेज रही हूँ. फोटो कहाँ है भेजी उन्होंने? फोटो दिखाएंगे जरा. मदर मदर डियर मदर. मम्मी को लोग पूछते रहते बहू कहाँ बहू कहाँ. वो ये सितम नहीं झेल पा रही, छुपके बैठी हुई है. वो ना अमृतसर जा पा रही ना मुंबई आ पा रही है. बहुत बिजी हूँ सॉरी. वो बीच में पानीपत में कोई रिश्तेदार ढूंढ के उनके घर में छिपी हुई है. बट मम्मी जैकी को याद है कि वी आर मैरिड. यस, शादीशुदा. चाहे नकली सही, बड़ा मजा आता सोच सोच के. अच्छा चलो ये तो खैर हंसी मजाक की बात है. असल में एक्चुअली जैकलीन अगर हम मेरे जैसे शादी कर भी ले तो हमारे वहां पे तो मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं बन सकता. क्यों? उनको नाम के स्पेलिंग ही नहीं आएंगे. फर्नांडिस तो बाद में आएगा, जैकलीन नहीं लिख पाएंगे वो. जैकी आपको किसी ने इंडस्ट्री में निकनेम दिया? जैकी तो हमने सुना ही है. इनका बचपन में एक निकनेम था जो ये सुन के बहुत खुश होती थी. क्या? हाइना. हाइना? तो बचपन में बोलते थे हाइना हाइना, क्योंकि हाइना से हंसती है. अच्छा. तो ये बोलते थे तो और हंसती थी. अभी बोल के दो हाइना. हाइना. ये ठीक है. पहली बार देखा. थोड़ा कम किया अभी. जहां पे मुझे कोई ढंग की बात ना आई तो मैंने हाइना. सिद्धार्थ आपने पूरी फिल्म कर ली है जैकलीन के साथ. हाँ जी.
आपने इनसे पूछा बींग ए इंडियन कि श्रीलंका का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे ये इतनी खूबसूरती पाई जाती है और ये कहाँ कौन से नारियल पीती हैं वहाँ पे? क्या इनको हम जैसी को जो प्रॉब्लम आती है वो आपको आती है? Have you heard about बाल तोड़ के बारे में आपने कभी सुना है? Oh God, नहीं, वो क्या है? बाल तोड़ होता ना जैसे हो, बाल टूट जाता है हाँ? तो फिर वो जख्म हो जाता है. आपने तो नहीं सुना होगा कभी? नहीं. बाल टूटा फिर हाँ, मतलब ऐसे बाल तोड़ वर्गी बीमारी सुनी तो नहीं होगी कभी? नहीं वो खूबसूरत है यार. खट्टे डकार वगैरह भी नहीं आपको बताओगे. लेकिन ये और श्रीलंका का कनेक्शन क्या है? नहीं श्रीलंका कनेक्शन कोई बात नहीं, जस्ट बिकॉज यू आर ए ब्यूटीफुल, यू आर सुपर स्टार. हैव यू फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? ऐसे खट्टे डकार वो वाला पता नहीं. नहीं नहीं ये खट्टे डकार वाला इधर होता है. सोर डकार का क्या होता है? बहुत ही ब्यूटीफुल. ऐसा लग रहा है रोमांस को इस पिक्चराइज कर रहा है कि हमारे डकार इधर इधर थोड़ी होते हैं ऐसे. इंडिया इंडिया में भांति भांति के लोग रहते हैं. हर स्टेट का अपना डकार होता है. साउथ इंडियंस का अलग होता है, पंजाब वालों का अलग होता है, राजस्थान वालों का अलग होता है. वो तो जब डकार लेते हैं अंदर से रेत भी निकलती है. होता है. ये होती है सेंसिटिव कोमल सी. इनको छींक भी आए ना तो पूरी कॉन्फ्रेंस भी चल रही हो पता नहीं चलने देती. आपने अर्चना जी को कभी स्नीज करते हुए देखा है? छींकते हुए? ये ऐसे बैठ के कर ही नहीं सकती, ये ऐसे करती हैं. अर्चना मैम मैं एक बात बताना चाहता हूँ सिद्धार्थ के बारे में. ही इज वेरी क्लेवर गाय. इन्होंने अभी दो फिल्में की ना, बड़े सुपरहिट गाने थे. तो उन दोनों गानों में बादशाह ने इतना अच्छा रैप किया, इन्होंने बड़ा अच्छा डांस किया. ये दो गाने करके सीख गया बंदा. अभी तीसरे में खुद ही कर रहा है. यस बंदूक मेरी लैला. डबल रोल भी कर रहा है, रैप भी कर रहा है. मुझे तो शक है अगली फिल्म में जैकलीन का रोल भी खुद कर लेगा. तो हमें एक्चुअली ओके मिला नहीं रैपर. तो ये रैप हमारे दर्शकों के लिए लाइव हो सकता है आज? ये पर मेरे मन से जो फीलिंग निकली ना मैंने बोल दी. He sang shoot me. मैं मर गया. जोरदार तालियां एक बार जैकलीन और सिद्धार्थ के लिए. आइए. अच्छा अर्चना मैम, जैकी की इंग्लिश बहुत अच्छी है और इंडिया में इतने सालों से इतना अच्छा काम कर रही हैं. आपकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है ना? हाँ जी. तो आपने ये चीजें पूछनी है इनसे. अच्छा. कि ये है, इनको दिखाना नहीं आपने इंग्लिश वाली, इनको पूछना इनको हिंदी में क्या कहते हैं. बिकॉज नाउ यू आर ए हिंदुस्तानी गर्ल, यू आर मैरिड टू ए पंजाबी बॉय. जैकलीन शर्मा. बहुत इजी. फर्स्ट जैसे अगर मैं लूं रेड चिली. लाल मिर्ची. वाह याशी, एक हिंदी टेस्ट है कि लगता है कि मैं ट्यूशन में हूँ. टर्मरिक. हल्दी. नाइस, वेरी नाइस. सिनेमन. एक मिनट. चीनी. समथिंग चीनी. दाल चीनी. या वेरी नाइस. यू गो गर्ल. मैंने जैकी के हाथ की काजू करी खाई हुई है. बहुत ही टेस्टी बनाई थी. यू रिमेम्बर इन फराज शो? यस. काजू करी. काजू करी इतनी अच्छी बनाई है. यही बनाएंगे अमीर लोग काजू करी. हमारे तो नॉर्मल कड़ी होती पकौड़े वाली. प्याज के पकौड़े वाली. यू नो कड़ी पकौड़े वाली? कौन सा कड़ी पकौड़े वाली? पकौड़े? नो 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 कड़ी. नो पकौड़ा. मेड विद पकौड़ीज इन इट. यस. पकौड़ा. अनियन जी.
बड़ा वाला चाकू खच 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 खच, फिर उसको घुमा के दूसरी तरफ से खच 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 खच, बेसन, मिर्ची, नमक, कढ़ाई, सो मेनी तेल, सो मेनी तेल, ऐसे हर 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 ऐसे छीटे छीटे, he is boiling, he is boiling, he is cursing, he is abusing, angry, why, and finally he is dead because he become red. बाद में निकाला एक, फिर एक एक करके छह, उसके बाद अगेन बेसन, पुट इन द पानी, हाथ मिलाना घोल के, फिर हाथ को ऐसे पकौड़े, उसमें कड़ी अगेन ऑन कढ़ाई, अगेन उबल रही है, फिर सर्विंग, पांच भाई बहन, दो दो पकौड़े के लिए लड़ाई, किसी से बार कड़ी अपनी कड़ी यही होती है। पर ये देखो अमीर लोग काजू कड़ी, हाँ। हमें काजू का ना, हमें काजू बड़े बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुए काजू क्यों? हाँ? Hello, this is Kapil. This is काजू। आप पहले क्या खाते थे? मूंगफली, दाल रोटी, दाल रोटी। हाँ, एक बार केबीसी में ना मेरी मम्मी को ले गया मैं, तो मैं बच्चन साहब के साथ ऐसे केबीसी खेल रहा था, हम बातें बातें कर रहे थे, तो बच्चन साहब ने मेरी मम्मी को देख लिया, अरे देवी जी क्या खा के पैदा किया है आपने इनको। मम्मी कहती पाजी दाल फुल्का ही। दाल फुल्का मतलब दाल रोटी है। दाल रोटी। आज तो खाने की बात कर करके मुझे यही इस कुर्सी पर मार डालेगा, इतनी भूख लगी है मुझे तो शक है आपने अपने काउंटर के नीचे पतीला रखा होगा। और ये मेज क्यों रखती नहीं तो सामने, हमने रखे हुए कोई? आपके भी है लेकिन सब पता है सामने क्या है। हाँ। इनके बड़ा वाला पतीला रहता है, नीचे चूल्हा रहता है, छोटा सिलेंडर। जैसे मान लो इनको बहुत ज्यादा हंसी आई ना, जैसे कड़ी चावल बताया ना मैंने आपको, तो ये ऐसे जाएंगी हंसती हंसती ऐसे चावल के पतीले में। एक ही बार में आधा किलो चावल अंदर। बस वो स्वीट आई लव यू अर्चना मैम। दादू, 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 हाय स्टार, हाय जैकी, हाउ आर यू? गुड। ऐसे मैंने कभी नहीं किसी को मिलते देखा। अली, नॉर्मली मिला यार, हाय, हाउ आर यू? ऐसे कौन ठुड्डी ऐसे? तो कोई भी चीज सीधे सीधे नहीं बोल सकते हो? बोलूं? बोलो, सीधे सीधे निकल जाओ। ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, गाजे बाजों के साथ जाऊंगी। सीधा सीधा बोलना, किसी बैंड वाले के साथ शादी करेगी? वो तबले वाले का तेरे पे बड़ा क्रश है। सप्पू, तू जब भी आती ना बड़ा प्यार से ढपक करता हो। और देख, कर कर जरा दोबारा। हाँ, दिन दिन दादा दिन ना। हाँ देखो, एक तो सुबह से दादाजी मिल नहीं रहे, ऊपर से तुमने, अरे बस एक तो सुबह से दादाजी मिल नहीं रहे। जैकलीन, आपने मेरे दादाजी को देखा है? नहीं, नहीं देखा, सॉरी। इसके दादाजी को इसकी दादी ने नहीं देखा, पहले दिन ही निकल गई थी वो। जैकलीन क्यों देखेंगी तुम्हारे दादा को? अरे दादाजी मॉर्निंग वॉक पे गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। एक काम कर, अंदर किचन में जा, अगर बड़ा वाला कटोरा नहीं ना हुआ तो समझना लंच करने गए बाहर। देखो तुम ऐसी ऐसी बातें मत करो दादाजी के बारे में, ही इज अ थरो जेंटलमैन। थरो जेंटलमैन नहीं, वो डेंटलमैन है। उनके दांत में कीड़ा लग गया, डॉक्टर कहता निकालना पड़ेगा, कहता ना ना ना, इतना मुश्किल से पासपोर्ट के बड़ा किया, ऐसे कैसे निकाल देंगे। इधर यू बोलती है ये, उधर पानी पूरी वाला ना गोलगप्पे वाला वही, उसको बोल जाके बोलती है, भैया पानी पूरी की प्लेट देना और ग्लव्स मत पहनना, वो हाथों का टेस्ट नहीं आता है फिर। मतलब तुम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ मेरी कमियां निकालो बस। मैं बैठा उनसे बातें कर रहा था, तुमने डिस्टर्ब किया। मैं तो अच्छी खासी हूँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छी खांसी है तुम्हें, कल इतना जोर जोर से खांस रही थी ना, सोने नहीं दिया मुझे सारी रात।
ठीक है, तुम ही मुझे दवा भी दे दो ना। आगरा में मिलेगी? वैसे तुम जाओगे अपने लिए दवाई लेने, तो मेरे लिए भी ले आना। अच्छा देख लो, पुराने रिलेशन है, बस उसी का ही खा रही है। करला, I love you. के प्यार में रहूंगी, अब तो मुझे बस एक जेंटलमैन मिल जाए बस। इरादा क्या है सरला गुलाटी? इरादा सरला गुलाटी से सरला मल्होत्रा। सरला मल्होत्रा मतलब कैसे? तुम्हारी माँ दोबारा शादी कर गई? मेरी माँ गुलाटी बनकर खुश है, मेरी कुंडली में मल्होत्रा का योग है। योग नहीं, रोग लिखा होगा तुम्हारी कुंडली में। अच्छा अर्चना मैम, आज आप आई हैं तो मैं खोल ही देता हूँ बातें। अच्छा यहाँ पे देखो आप। अच्छा ये शुरू, यहाँ पे देखो, अच्छे अच्छे सूट पहन के आती है, फिर भी आगे ना इसको मेरे को ताने देती, लड़ती है। वहाँ पे सही थी ना ये कॉमेडी सर्कस में? इतना मुकुट पहन के मूछे लगा रावण बन के आती थी। इधर हम हील देते हैं पहनने को, अच्छे अच्छे सूट देते हैं, उधर मूछे लगा के ठीक रहती थी तुम। मैं सच बोलूंगा आज। मुझे ना दादाजी को ढूंढना है, वरना तुम्हें करारा जवाब जरूर देती। सेरन जैकी, मैं ना दादाजी को ढूंढ के लाती हूँ, पता नहीं कहाँ भटक गए। आई विल सी यू लेटर। ये जेस्चर देखिए, नॉर्मली होता है ना, मैं आपको बाद मिलती हूँ, इसका निकल ही आता है, मैं जलती हूँ। पर यार मैं ना हंसी मजाक तो चलो चलता रहता है, लेकिन सिद्धार्थ हमने सुना है कि आप काफी स्ट्रगल किया जब आप मुंबई आए। हाँ जी। आप काफी लोग एक एक कमरे में रहते थे। हाँ, जब बॉम्बे में आए थे तो सबकी तरह आप शेयर करते हैं अपार्टमेंट्स, तो हमारा एक वन बेडरूम था। अच्छा। और उसमें हम तीन लोग रहते थे, तो अच्छा वन एंड हाफ टाइप बेडरूम बनाया हुआ था, तो उस हाफ में मैं रहता था, बाकी वन में दो लड़के और रहते थे। मैंने काफी महीनों से पर्दे नहीं लगाए हुए थे उस कमरे में। मैं अपने दोस्तों की एक बड़ी सी पेंटिंग थी उनके कमरे में, वो लगा देता था वहाँ पे। अच्छा। और फिर जब कोई स्पेशल फीमेल गेस्ट आती थी, दोस्त मेरी, हाँ जी, तो झट से वो पेंटिंग को छुपा देते थे। अच्छा जी। तो मेरे पास ना पर्दा ना कुछ, तो ये आपकी स्ट्रगल है कि आपका एंजॉय है? अच्छा, ये गेम्स भी बड़ी अच्छी अच्छी खेलते हैं। सिद्धार्थ बास्केटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं। जैकी को घुड़सवारी का बहुत शौक है, इन्होंने क्लब ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, यस, हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग करती हैं। ये सारी गेम्स वैसी हैं, मतलब अच्छा इनमें पहले तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। हैव यू एवर ट्राइड चिड़िया उड, कौआ उड? यस, बिकॉज देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, इवन देयर इज नो चिड़िया एंड कौआ। जैसे उंगली, कॉकरोच उड। या या, यू वांट टू प्ले? यस। ओके, श्रीलंका में उड़ते हैं कदे? डंकी। इनको वो कंफ्यूजन हो गया ना, इंग्लिश में बोले। ओके ओके, स्पैरो फ्लाइंग, क्रो फ्लाइंग, डंकी फ्लाइंग। डंकी फ्लाइंग ऊपर था ना? नहीं, उसने ऐसे टांग उठाई थी। देयर इज सम प्रॉब्लम। मुझे ज्यादा जानवरों के नाम इंग्लिश में आते नहीं है। कोई ऑडियंस में है जिसको ये गेम आता है खेलना? फटाफट बोलना कौन है, खड़े हो जाओ। शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो के ऐसे गेम खेलते हो? आते हैं जानवरों और पंछियों के नाम आते हैं ना? हाँ, आते हैं। आपका क्या नाम है? कुलदीप। कुलदीप नाम को तो कोई पंछी नहीं होता। हमारे साथ बैठो ताकि आपको किसे बोल दे। हाँ, कौआ उड़, मुर्गा उड़, मच्छर उड़, पतंग उड़, बकरी उड़। मैं ये बोल रहा था कि अगर आपने मुर्गा उड़ाया, कब उड़ाया मुर्गा? मैं तो ये कह रहा था कि अगर तूने कुछ गलत किया, उतनी देर में इसने बोल दिया वो कपिल। हाँ, बकरी उड़, बकरी उड़ी गई इधर। मैं ओके, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? पोल डांसिंग।
जैकलीन ने पिक्चर में एक गाने में चंद्रलेखा में पोल डांसिंग किया है जैकलीन ने, बहुत अच्छा। पोल मंगवाओ फिर। देखो मैंने तो जो गंदा किया तुम तो मेरे भी बाप थे। ये वाला कौन सा पोल डांस होता है? चौकीदार लग रहा था है? कौन आया मोहल्ले? बहुत अच्छा है, फंसा दिया तुमने यार। बहुत अच्छा, आगे से किसी बकरी में तो उड़ाना। थैंक यू कुलदीप। थैंक यू। अरे व्हाट यार, व्हाट डू यू वांट? अरे बैठे बैठे बैठे। बच्चा तू क्या सूट क्यों पहन के आया? पहन के आएंगे, उतार के क्यों आएंगे यार? ताई तेरे पास कहाँ से आई? हमारे क्या ताया जी आए हुए हैं ना गांव से, तो उनके साथ ताई आई है। बम्बई घूमना है तो घुमाने लाए ल, ये लो ताई घूम लो ताई। That's just a joke. हम क्या जोक वोक मारते रहते हैं। सच्चाई की बात यह है कि थोड़े दिन पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था ना, वो टाई हो गया था, वहां से टाई लेके आ गए। जैकलीन जी, आपसे हाथ मिलाने का मन कर रहा है। बिल्कुल मत मिलाना है, बिल्कुल मत मिलाना है। इसकी भैंस गोबर करती है, उसी हाथ से हाथ मिला रहा। हट। तो उस भाई से मिला दीजिए तो पालक पनीर करती है भाई। चल आज तू क्या करने आया यहाँ पे? I have got ready because हमें इंटरव्यू देने जाना है। तो जाना दे के इधर क्या करने आया फिर? नहीं हमारे पास इंटरव्यू है नहीं ना। क्या जाके दे? हमें पता चला यहाँ पर आप इंटरव्यू लेते हैं, आप लोग इंटरव्यू देते हैं। आपके पास कोई एक्स्ट्रा इंटरव्यू होगा तो हमें दे दीजिए। ये इंटरव्यू है कि मिठाई है कि ले के दे देगा? अरे इंटरव्यू क्या चीज है यार, आजकल तो किस लेके दे देते। क्या बात कर रहा, किस लेके कौन देता है अभी? सिद्ध जी हैं यार यहाँ पर। पिछला फिल्म में आलिया जी से किस लिया था, ये फिल्म में जैकलीन जी को दे दिया हमने। लेकिन सच में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है सर, ये जो एडवर्ट ये जाते हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, क्या मतलब बोलना क्या होता है कुछ आइडिया नहीं है, कुछ सिखा देंगे हमको कैसे देते हैं? बायोडाटा लाया तो अपना? बायोडाटा जेब में रखते हैं सर। अच्छा ये या आक्स मी। नाम क्या है तुम्हारा? अर्चना पूरन सिंह। इसमें तो बच्चा लिखा हुआ है। तो रीडिंग आता है तो ऐसा फालतू सवाल क्यों पूछते हो यार? अरे इंटरव्यू है। What a man यार। बताइए आपकी वीकनेस क्या है? नहीं हमारा कोई वीकनेस नहीं है, हमारा ताया जी का थोड़ा वीकनेस है। उनको उठने में तकलीफ है। उठने में नहीं, घुटने में तकलीफ होगी। तो घुटने में तकलीफ है तभी तो उठने में तकलीफ है यार। रोज रोज तबेले में एक ही शकल देख के हमारी सारी भैंसियां बोर हो गई। हम जैसे ही जाते ना हमारा शकल देख के मुंह घुमा लेती है, कहती है ना। तो हम लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, सोचने के देश जो है ना इसकी अर्थव्यवस्था टोटली हम बदल दें। कैसे बदलेगा मतलब अर्थव्यवस्था? देखिए सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना उसमें जाते हैं। आप सर देखे होंगे व्हेन यू मैन्युफैक्चर जलेबी, ऐसा राउंड 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 वेरी मोनोटोनियस सेम चीज बनाते, क्रिएटिविटी को यूज नहीं करता। हम चेंज करेंगे शेप, हम जलेबी सीधी बनाएंगे। फिर लोग कहेंगे अरे वाह कितनी सीधी जलेबी है, इसका रिश्ता लड्डू से कर दो। ऐसा कुछ होएगा। फिर हमके जो आमलेट है ना उसका स्पीड बढ़ाने के लिए उसमें 4G लगा देंगे। आई विल टेल यू बाय। अब देखे मुर्गी जो है वो वक्त पे अंडा दे देती है, फिर आम लेट क्यों होता है? आम लेट क्यों होता है? इट हैज टू गो फास्टर। हमारे पास एक और प्लान है कि देखिए हमारे गाड़ियां जो है पेट्रोल पे चलती है, बिना पेट्रोल के गाड़ी कैसे चले उसका आधा प्लान बना लिया है हमने। क्या है? देखिए हमें पूरे शहर में ना ऐसे बड़े बड़े ब्रिज बनाएंगे और ब्रिज सारे ऐसे बनाएंगे। हाँ। तो गाड़ियां ऐसे जाएगी, पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है यार। तो ऐसे जाएंगी तो ऐसे कैसे जाएंगी, चढ़ेंगी? आपको पता है ना आधा प्लान बनाया है यार। सारा जिम्मेदारी हमारा है क्या है यार, बाकी का आधा आप बनाओ। थोड़ा ये तो कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें तो लाइफ में होती रहेगी। सोच रहे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाए। क्या करेगा चढ़ के? दूसरे तरफ से उतर जाएंगे।
मैं कौन सा वहां पे पापड़ बिल ले यार, व्हाट टू डू, टाइम पास यार। लेकिन आपके फिल्म में जैकलिन जी, हमने देखा था, आपने कहा कि आपको रिक्सी लड़के पसंद है। हमसे ज्यादा रिक्सी आदमी हो ही नहीं सकता लाइफ में। कल हमने केला खा लिया, तो इसमें क्या रिस्क है? मतलब बंदर के हाथ से छीन के खा के देखे कभी यार? ऐसा कूद के आपके गाल पे फचाक देगा ना, बंदर का भविष्य छप जाएगा आपके गाल पे। वैसे जैकलिन जी, आपकी हाँ हो जाए एक बार ना, तो हम तो कहते हैं कि आप हमारे साथ 7 फेरे ले ही लीजिए। बच्चा ये ज्यादा हो रहा है, कम कर देते हैं, 4 फेरे ले लीजिए। जो एक्शन किया ना फिल्म में, कर सकते हैं आप इधर भी? नहीं, एक्शन का क्या जरूरत, एक आध अच्छा डांस का अच्छा वाला ये जो है स्टेप, आप हमें सिखाना चाहेंगे? चंद्रलेखा सीखना है, नया वाला। ओके, ओ ब्रो, ब्रो बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चा डांसर, अच्छा बच्चा, ऐसे कैसे जोक सुनाता है बच्चा? जोक हमारा एक ना एक पिटारा लेके घूमता है जोक्स का, तो तैयार रहता है हमेशा। तो हमारा जोक रेडी है, कुत्ता अपना पूंछ क्यों हिलाता है? क्योंकि पूंछ अगर अपना कुत्ता हिलाएगा अजीब नहीं लगेगा? नहीं समझ गई, इंग्लिश में समझाइए। तो यू नो अ डॉग, यस, वैग टेल, यस, तो कुत्ता अपना पूंछ क्यों हिलाता है? क्यों? क्योंकि अगर टेल कुत्ता वैग करेगा तो अजीब नहीं लगेगा? अजीब लगेगा। बड़ा खुशी हुआ।